हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठाना। ये अधिष्ठाना इसमें आपका फिर से स्वागत है और ये प्रीलिम्स 2023 के 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की सीरीज है, जिसके अंदर हम जैन 2022 से लेकर जून 2023 के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 7th, ये 7th लेक्चर है और इसी के साथ हम प्रीलिम्स के ऊपर एक एमसीक्यू टेस्ट भी ले चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हर 5 वीडियोस के बाद आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, तो हर 5 वीडियोस के बाद टेस्ट होगा और इसके अंदर कुछ और फीचर्स है। कंप्लीट कवरेज रहेगा 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये कोई नया सीरीज नहीं है, ठीक है, ये सीरीज हम पहले भी स्टार्ट करते, पिछले साल भी अपन ने स्टार्ट करा था और पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 80% क्वेश्चन जो थे इसी सीरीज के अंदर से पूछे गए थे, तो आपके लिए ये दूसरा सीरीज है। देखो, ऐसी बहुत सारी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसका पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? 1999 रुपीज का पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2999 रुपए का पेड सब्सक्रिप्शन, ये हमने आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और इसके अंदर से उनमें से तो आपको पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स, एक तरह से वो पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बता रहे हैं, क्रूशियल टिप्स और ट्रिक्स, जिसके थ्रू आपकी लाइफ जो है बहुत ईजी होने वाली है, राइट। इसी के साथ साथ वीकली एमसीक्यू टेस्ट रहते हैं और अल्टरनेट डे क्लासेस के अंदर रहती है। यह अधिष्ठान है इसका इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस का डेली डोजेज है, ठीक है, जिसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस के डेली डोजेज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है, और फायदा उठाएं अधिष्ठान इसके फ्री लेक्चर्स का, राइट। चलिए, इसी तरह से मैप सीरीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली जो चीज है वो है प्रधानमंत्री मोदी जी अभी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने एक कावी के बारे में जिक्र करा। कावी क्या है? कावी है एक आर्ट है, ठीक है, जैसे कविता एक आर्ट होती है, ये भी एक आर्ट है, बट ये आर्ट जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ रिलेटेड टू द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड आर्ट है, राइट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ पॉइंट है कावी आर्ट के बारे में जिसका आपको याद रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर रेड और व्हाइट शेड के अंदर चीजें होती है, रेड और व्हाइट शेड के अंदर, रेड एंड व्हाइट, ठीक है। कवि एक कवि था जो रेड और व्हाइट, रेड कलर की शर्ट पहनता था और व्हाइट कलर की पैंट पहनता था, ऐसे याद कर लो, ठीक है, रेड एंड व्हाइट, कवि रेड एंड व्हाइट, आप इस तरह से याद करोगे। कावि एक आर्ट है जिसके अंदर पेंटिंग के आर्ट है, पर हम याद करने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि एक कवि है जो रेड और व्हाइट कलर की, रेड कलर की शर्ट पहन रहा है, व्हाइट कलर की पैंट पहन रहा है, सोच कर देखो कैसा लगेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करा जाता है कि वेट प्लास्टर, ठीक है, एक प्लास्टर जो गीला होता है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर अपन यहाँ पर पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि म्यूराल पेंटिंग करते हैं वैसे ही इस तरह की पेंटिंग भी यहाँ पर करते हैं। अब रेड जो है, रेड है ना, ये जो है ना रेड, ये कवि नाम इसका आया कहां से, काव, काव, काव का मतलब क्या होता है, काव का मतलब होता है कि एक आपने सुनी होगी रेड सॉइल, रेड सॉइल के अंदर जो रेड पिगमेंट होता है ना, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल जो रेड पिगमेंट होता है ना, उसको अपन काव बोलते हैं, काव, तो काव से कावी, समझ में आ गया, और कावी से आप याद करोगे कवि, ठीक है, कवि जिसने क्या कर रखा है, ठीक है, ठीक है, जिसने क्या कर रखा है, रेड शर्ट पहन रखी है और व्हाइट पैंट पहन रखी है, ठीक है, इस तरह से। तो रेड एंड व्हाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कावी नाम ही काव से आया, काव का मतलब क्या होता है कि जो लेटराइट सॉइल का रेड पिगमेंट होता है उसको काव बोलते हैं। देखिए, कावी एक फॉर्म ऑफ वॉल आर्ट, ठीक है, वॉल आर्ट है, वॉल पे बनाई जाती है, ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय पोर्तुगीज, ये भी याद रखना है, पोर्तुगीज, राइट, इट इज डन ऑन द वेट प्लास्टर इन ए मैनर सिमिलर टू द फ्रेस्कोस, ठीक है, जो फ्रेस्को पेंटिंग करते हैं वैसे ही ये वाली पेंटिंग भी करते हैं। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द काव, काव का मतलब क्या होता है, रेड पिगमेंट, कहाँ पर पाया जाता है, लेटराइट सॉइल के अंदर, दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द इमेजेस ऑन द व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड रहता है। और सर कोई इमेज दिखाओ ना, तब आता है मेरा, देखो ये देखो व्हाइट बैकग्राउंड है, इसके ऊपर लाल लाल कर रखा है, ये देखो यहाँ पर देखो, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये काव आर्ट है, दिस इज व्हाट, कावी आर्ट, ठीक है, कावी आर्ट, काव का मतलब समझ में आ गया आपको, रेड एंड व्हाइट, ठीक है, काव का मतलब रेड पिगमेंट, दैट इज यूज्ड इन, है ना, तो रेड कलर जो होता है ना वो कावी आर्ट के अंदर यूज होता है। कहने की बात ये, व्हाइट बैकग्राउंड रहता है, व्हाइट इज फाउंड इन कोंकण रीजन, कोंकण रीजन में ये मिलता है, ठीक है, ये आर्ट मिलती है जो जनरली गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के टेम्पल्स के अंदर इस आर्ट को देखा जाता है, एक टेम्पल आर्ट भी आप बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर सारा का सारा, देखिए टेम्पल वाला ही मटेरियल लग रहा है आपको, ये भगवानों की मूर्ति है, भगवान की आर्ट मतलब पेंटिंग्स हैं, ठीक है, उसके अंदर व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर रखा है, रेड जो है वो कलर यूज कर रखा है, रेड इज कलर जो पिगमेंट जो होता है काव के अंदर पाया जाता है, काव का मतलब क्या है, काव का मतलब है अपनी रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज पाम ऑयल अलायंस, पाम ऑयल अलायंस मतलब
कि पाम ऑयल के ऊपर एक अलायंस बना रहे, कौन? एशियन कंट्रीज। तो सर अलायंस है तो अब हमको पता है इसमें क्या याद करोगे आप, मेंबर कंट्रीज होंगी इसके अंदर कुछ। हाँ, तो पाम ऑयल अलायंस जो है ना उसके अंदर 5 साउथ एशियन कंट्री है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली एशियन पाम ऑयल अलायंस इज इन द न्यूज, बताओ साहब इसके अंदर कितनी कंट्रीज है। तो आप यहाँ पर देखिए, इट इज फॉर्म बाय द एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ द 5 मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, 5 मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की इंडस्ट्रीज जो है, पाम ऑयल की इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया। समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इनकी पाम ऑयल इंडस्ट्रीज ने, ठीक है, उसका एक एसोसिएशन बना हुआ है। उन एसोसिएशंस ने, ये 5 कंट्रीज के एसोसिएशन ने बनाया एशियन पाम ऑयल अलायंस, ठीक है, जिसके अंदर पाम ऑयल जो है ना उसका एक तो ब्रांडिंग करा जाएगा कि पाम ऑयल बहुत बढ़िया है, इसको खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है इस तरह से। और ये सारे एसोसिएशन इसलिए भी बनाया गया क्योंकि पाम ऑयल हम देखेंगे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इंपोर्ट करें तो अब मान लीजिए इंडिया इंपोर्ट कर रहा है बाहर से, ठीक है, तो वो इंडिया को 100 रुपए में दे रहे हैं, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उसको पता चला हमें 80 रुपए में दे दिया, फिर श्रीलंका इंपोर्ट कर रहा है तो उसको लगा हमको पता चला 90 रुपए में दिया। तो हमने सोचा कि एक एसोसिएशन बना लेते हैं और फिर हम एक बार्गेनिंग पावर बनाएंगे कि साहब फिर जो है हम बैठेंगे उनके आगे, बोलेंगे बताओ इतने में दोगे तो हम सब खरीदेंगे नहीं तो नहीं खरीदेंगे, राइट। इस तरह से बार्गेनिंग पावर बनाएंगे क्योंकि इंपोर्ट करना होता है हमें बहुत सारा पाम ऑयल, तो किस रेट पे हम पाम ऑयल इंपोर्ट करें, एक तरह से सारा कलेक्टिवली अगर बोला जाएगा कुछ चीज तो बार्गेनिंग पावर हमारी बढ़ेगी। तो ये देखिए एशियन पाम ऑयल अलायंस, ठीक है, और इसके अंदर जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये कंपनी है, ये इसकी सेक्रेटरीट है क्योंकि कंपनीज ने ही मिलकर एक अलायंस बनाया है ना, एशियन पाम ऑयल अलायंस। और एशिया अकाउंट 40% डिमांड जो होता है, 40% ग्लोबल पाम ऑयल की डिमांड जो है ना वो एशिया के अंदर है और इंडिया के अंदर तो 15% है लार्जेस्ट। तो ये सारे के सारे लोग अगर मिल जाएंगे, ये 5 कंट्री मिलकर कहें कि हम बार्गेनिंग पावर अपनी ऐसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हम क्योंकि 40% ऑयल जो होता है पूरे वर्ल्ड का हम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर एक तरह से एशियन पाम ऑयल अलायंस यहां पर बनाया गया है, राइट। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है, ये कंपनी है, आप देख सकते हैं ये कंपनी है और ये हमारा सेक्रेटरीट की तरह बिहेव करेगा एशियन पाम ऑयल अलायंस का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, तो देखो इसके अंदर क्या आइडिया है कि एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हम इंक्रीज करें, दूसरा कि लोगों तक ये बहुत पहुंचाए कि पाम ऑयल जो होता है ना उसके अंदर अच्छी क्वालिटी का होता है, ऐसे नहीं कि पाम ऑयल को तुम खाते नहीं हो, ठीक है, अच्छे क्वालिटी खाना नहीं चाहिए, ऐसा मिथ विथ जो हो वो ब्रेक करें, हाई क्वालिटी का पाम ऑयल होता है, इकोनॉमिक एंड हेल्दी वेजिटेबल ऑयल होता है, राइट, और सेफ गार्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज एंड इंक्रीज द कंजम्पशन इन द मेंबर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज के अंदर किसी तरह से हम कंजम्पशन इसका इंक्रीज करें। ये सब चीजें क्या होंगी, ये सब ऑब्जेक्टिव है किसका, एशियन पाम ऑयल अलायंस का, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पाम ऑयल के बारे में थोड़ी बात कर ले, देखो पाम ऑयल जो होता है ना एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल है जिसको खाने में यूज करते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना उसको खाने में यूज करते हैं, और ये एक पाम फ्रूट होता है, पाम फ्रूट जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता है, ठीक है, वहां से इसके अंदर मिलता है। पाम फ्रूट का नाम अजीब सा है, इसको याद करो तो बढ़िया है, नहीं करो तो भी काम चल जाएगा। एडिबल वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम द पाम फ्रूट ऑफ एलियास जूनेसिस, ठीक है, अफ्रीकन ऑयल पाम और एलियास ओलिफेरिया, ठीक है, इंडोजीनियस टू द साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, तो साउथ सेंट्रल अमेरिका अफ्रीका इसके अंदर ही मिलता है ये फ्रूट, उसके अंदर से पाम ऑयल निकलता है, तो पाम ऑयल जो निकलेगा, ठीक है, वो बाहर से आएगा फिर, ठीक है, बाहर से आएगा तो फिर इसके, है ना। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, पाम ऑयल के अंदर एक चीज और है जो आपको याद रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर विटामिन ए हमें मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के बाद और विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन ई हमको मिलता है। और आप देखते हैं ऑयल के अंदर है ना बहुत सारा ट्रांसफैट होता है, पर ये एक पाम ऑयल ऐसा ऑयल है जिसके अंदर कोई ट्रांसफैटी एसिड नहीं होते हैं, ठीक है, ट्रांसफैटी एसिड यहाँ पर नहीं होते हैं, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है इसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो एशियन पाम ऑयल इनिशिएटिव जो है, एशियन पाम ऑयल अगर हम देखें तो एसोसिएशन जो है, एशियन पाम ऑयल अलायंस जो है, सॉरी, ठीक है, ये किसने बनाई, हम कहेंगे भाई सारी कंट्रीज जो थी, 5 कंट्रीज मिली, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये लोग बने और इन्होंने बोला कि भाई देखो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को है ना अपना सारा डिमांड जो है, अगर वर्ल्ड के अंदर 100 ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है तो 40 हमको लेना होता है, ठीक है, 40 हमको लेना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बार्गेनिंग पावर इकट्ठे जाएंगे, बोलेंगे कि भैया इतने में दे रहा है क्या, 100 रुपये में दे रहा है, नहीं ले रहे, चलो कोई नहीं ले रहा 100 रुपए में, चलो चलो भाई नेपाल पाकिस्तान चलो घर चलते, बोले अरे नहीं नहीं 30 में ले रहा हूँ, ऐसा बार्गेनिंग पावर, सर हमारे है ना, सर ये तो हमारी मम्मियाँ करती हैं, हाँ वैसा ही बार्गेनिंग पावर हम करेंगे यहाँ पर। और उसके अलावा पाम ऑयल की इंडस्ट्रीज है तो पाम ऑयल को प्रमोट करेंगे, बताएंगे कि हाई क्वालिटी इकोनॉमी किस तरह का पाम ऑयल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो कोई ट्रांस फैटी एसिड नहीं होता है, विटामिन ए और विटामिन ई पाया जाता है, और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट एक टर्म मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये समझो कि मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं और खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपका पेट मोटा होता जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट इसमें आपको फिर सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप सोच रहे हैं कि यार क्या यार मैं बिजनेस तो कर रहा हूं पर लोगों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों ना आप ऐसा बिजनेस करें जिसमें लोगों का भी फायदा हो जाए। क्या बात है सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप, यस ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें लोगों का भी फायदा हो जाए, दैट इज नोन एज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, कि इस जगह पे इन्वेस्ट करो ना, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से क्या हो, जिससे इम्पैक्ट पड़े, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग यही होता है। सर समझ ही नहीं आया, मतलब अभी तो ये सिंपल समझो कि साहब आप बिजनेस मैन हो, आप खा खा के मोटे हो रहे हो, ठीक है, और आपको एक दिन ऐसा फील आता है कि भाई साहब काश मैं कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता सोसाइटी के अंदर, तो किसी ने आपको एक आइडिया दिया भैया तेरे को बिजनेस करना है, बोले हाँ, इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है, बोले हाँ, दोनों चीजें हम कर सकते हैं, आप उस फील्ड के अंदर इन्वेस्ट करो जहां से इम्पैक्ट होगा, कैसे मैं भी आपको बताता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। तो रिसेंटली एक स्टडी, अभी न्यूज के अंदर क्यों है, एक स्टडी हुई थी इम्पैक्ट इन्वेस्टर काउंसिल से, और उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर, उसको उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीवमेंट हो सकता है, मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कंपनीज खुल रही हैं, ठीक है, इम्पैक्ट के अंदर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग हो रहा है, जिससे कि इंडिया का क्या है, इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 2030 इनिशिएटिव्स को फॉलो कर सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है, राइट। तो देखो, इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, क्या है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट एम्स टू जनरेट स्पेसिफिक बेनिफिशियल सोशल एंड एनवायरमेंट इफेक्ट्स इन एडिशन टू द फाइनेंशियल गेन, मतलब फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है और सोशल इम्पैक्ट भी बढ़ रहे हैं, मजा भी आ रहा है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी भी खुश हो रही है ना, एनवायरमेंट इफेक्ट भी हो रहा है, तो ये होता है इम्पैक्ट असेसमेंट। सर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल ले लो भाई, देखो वर्ल्ड का पहला डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड जो है वो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर है, ठीक है, क्या है इसके अंदर, समझो कि मान लीजिए मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा खाका के पेट मोटा हो रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार इम्पैक्ट भी पड़े, तो मैं सोचूंगा इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं किसके अंदर, इस इम्पैक्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, इससे क्या होगा, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करा, ठीक है, इन्वेस्ट करा तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो क्या करेगा, इसके कुछ टारगेट्स है ना, कुछ टारगेट्स सेट करे गए हैं कि जैसे गर्ल्स का एजुकेशन रेट बढ़े, एनरोलमेंट रेट बढ़े, इस तरह के टारगेट सेट करे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो इस तरह से चीजें करेगा। अब इसको फिर इफेक्ट को देखा जाएगा, आउटकम इवेल्युएटर इसको इफेक्ट को देखेगा कि भाई सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कि भाई जो गर्ल्स का एजुकेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, गर्ल्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, जनरल एनरोलमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये सब चीजें आउटकम इवेल्युएटर देखेगा, और फिर आउटकम इवेल्युएटर जो होगा ये आउटकम पेयर को इसको बताएगा, और आउटकम पेयर को अगर मान लीजिए उसको पता चल गया कि हाँ अच्छा हो रहा है, अगर ये सक्सेस हो रहा है, तो इसके अंदर ये इन्वेस्टर्स को, जैसे मान लीजिए इन्वेस्टर ने 100 रुपये लगाया तो 100+10 रुपीज देगा, पर इसकी ये कंडीशन है कि भाई ये चीज होनी चाहिए कि गर्ल्स का एजुकेशन बढ़े और क्या हो, एनरोलमेंट, ओवरऑल एनरोलमेंट स्कूल का बढ़े, तो इस केस में ही आपको 100+10 रुपीज दिया जाएगा इन्वेस्टर को। तो अगर मान लीजिए ये चीज आउटकम इवेल्युएशन बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर को फायदा होगा, तो यहां पर आउटकम देखा जा रहा है, समझ में आ रहा है, आउटकम देखा रहा है कि एजुकेशन के सेक्टर के अंदर क्या क्या, ये तीन टारगेट थे हमारे, तीन टारगेट पूरे हुए क्या, आउटकम पेयर ये देखा जाएगा, आउटकम पेयर ये देखेगा तब जाकर वो इन्वेस्टर को पैसा देगा वापस, समझ में आ रहा है। तो ये एक तरह से इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है और पैसा लगाकर ये फायदा भी हो रहा है, समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर को 100 रुपए लगा 110 रुपए आ गया, इसका पेट तो वैसे ही मोटा हो रहा है, ठीक है, और मोटा हो जाएगा 10 रुपए में, पर यहाँ पर देखिए गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशो बढ़ गया, इज दिस क्लियर, यहाँ पर ये क्लियर है व्हाट इज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसके अंदर, तो अब हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट एम टू जनरेट स्पेसिफिक बेनिफिशियल सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स इन एडिशन टू द फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन के आसपास के साथ साथ ये चीजें भी बढ़ रही है। इन्वेस्टर्स हु फॉलो इंपैक्ट इन्वेस्टिंग कंसीडर कंपनीज कमिटमेंट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी टू पॉजिटिवली सर्व द सोसाइटी एज अ होल। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी आपको पता है कि भैया तुम इतना बड़ा बिजनेसमैन हो तो कुछ सोसाइटी के लिए भी कर दो, तुम्हारी सोसाइटी के लिए भी क्या होगा, सोसाइटी के लिए भी तुम्हारा एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, राइट राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर एनजीओ देखिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो एक तरह से दैट इज वट, वो तो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इंटरेस्ट नहीं रहता,
यहाँ पे कंपनीज की बात करें जिनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का इंटरेस्ट है, ठीक है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट भी हो रहा है और गर्ल्स की एजुकेशन भी बढ़ रही है ना, तो यहाँ पर ये होता है। तो वर्ल्ड फर्स्ट डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड जो है वो राजस्थान के अंदर आया है, ये भी एक फैक्टर दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड है क्या, ठीक है, और किस तरह से गर्ल्स का एजुकेशन ये बढ़ा रहा है, और आप इसको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में भी यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, जस्ट गिव मी थम्स अप, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट एक G7 का एक इनिशिएटिव है जो कि काउंटर करना चाह रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, ठीक है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, इसका नाम है PGII, PGII एक इनिशिएटिव है, PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII नाम का एक क्या है, एक तरह से अपन एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं, ठीक है, और एक तरह से एक इनिशिएटिव लेने वाले हैं जिससे कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन कर रहा है, G7, अगर यह आ जाए PGII कौन कर रहा है, तो G7 कर रहा है, ठीक है, G7, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, और ये किस लिए कर रहा है, जिससे कि चाइना का जो काउंटर चाइना का जो प्रोजेक्ट है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर किया जा सके, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स एम्स टू रेस G7 कंट्रीज के अंदर G7 कंट्रीज मिलकर क्या कर रही है, $200 बिलियन का एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है कि 5 साल के अंदर $200 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, जिससे कि काउंटर किया जाए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। आप जानते हैं चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करा रखा है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और अगर हम देखें न्यू सिल्क रोड ये बना रहे हैं एज वेल एज मैरिटाइम सिल्क रोड भी ये बना रहे हैं, ठीक है, मैं उसको मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा, उसको काउंटर करने, क्योंकि इससे क्या होगा, ये हर देश के अंदर कुछ ना कुछ पैंट बना लेंगे, उसको काउंटर करने के लिए अभी G7 कंट्री ने PGII का इनिशिएटिव लिया है, और PGII इनिशिएटिव में इस तरह से बोला गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करेंगे पर हम क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी, हेल्थ सिस्टम, जेंडर इक्वलिटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब को ध्यान में रखते हुए फिर करेंगे इन्वेस्टमेंट। चाइना की तरह नहीं कि भाई बहुत ही सेल्फिश तरीके से चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे कि कई कंट्री तो डेट ट्रैप के अंदर फंसी जा रही है, वैसी चीज नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर, यहां पर समझ में आता है। तो आप देखिए एट द सेंटर ऑफ द PGII इज अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूजिंग लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग टू कैटलाइज ग्रेट वॉल्यूम ऑफ द प्राइवेट कैपिटल, ठीक है, कि लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग रहेगी और कैपिटलाइज करने की कोशिश करी जाएगी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट फंडिंग जो हो प्राइवेट इक्विटी के बेसिस पे, ये सब चीजें इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो, ये करने की कोशिश इसमें की जाएगी इसके अंदर PGII के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम से फेमस, जिसके अंदर ये तरह से सड़कें बनाई जाएगी चाइना के द्वारा, इस तरह से सड़क बनाई जिसमें आप देख रहे हैं पूरा सेंट्रल एशिया खा गया चाइना, इसके अंदर पूरा सेंट्रल एशिया आ गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ये देखिए सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत सारी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनाई जा रही है, तो यहाँ पर इस तरह से देखा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसका एक पार्ट है सीपैक कॉरिडोर, जो मैंने आज इंडियन एक्सप्रेस में आपको पढ़ाया था सीपैक कॉरिडोर, और इंडिया इसके कारण इस प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं दे पा रहा है, ये पूरे प्रोजेक्ट्स जो है BRI का इसके साथ इंडिया नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ये जो कॉरिडोर है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक कॉरिडोर, जो कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है, और ये एक तरह से इंडिया की सोवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट में है, ठीक है। एक आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं आगे चलने से पहले, एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, प्रीलिम्स के फैक्ट सीरीज जो है वो आ चुकी है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है बच्चों। 5 नवंबर से इसका पहला वीडियो होगा, 5 नवंबर को पहला वीडियो आएगा, और इस तरह से रोज हम एक एक वीडियो डालते रहेंगे जिससे कि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि तुमको फैक्ट्स को लर्न करना पड़ता है ना, यू हैव टू लर्न द फैक्ट, और रटते जाओ बार बार घूम घूम के पढ़ो रटो, पर उससे याद होते नहीं। तो हम कुछ ईजी ट्रिक्स के अंदर, जो ट्रिक्स मेरे द्वारा मेरे इनोवेटिव मैनर के अंदर मैंने ट्रिक्स बनाई है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव को ध्यान में रख के, उन सभी ट्रिक्स को आपको दिया जाएगा। ये सीरीज 5 से 15 नवंबर तक डेली की सीरीज रहेगी, और डेली इसके अंदर वीडियो डाले जाएंगे। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है, अगर आप लोग चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू करें, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए 5 से 15 नवंबर तक के लिए ये सीरीज है, तो आप प्रीलिम्स फैक्ट को बहुत आसानी से आसान भाषा के अंदर, ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज के अंदर है। कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे रखा है, राइट। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो हमने आपको दिए थे टेस्ट सीरीज के अंदर, और जो आपने अटेम्प्ट भी करे थे। जल्दी से बताएं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, जल्दी से बताएं, आप लोगों ने अटेम्प्ट कर चुके हैं क्वेश्चंस, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज आपको, है ना। जल्दी से बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा,
जल्दी से लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइव लिखिए, और जो रिकॉर्डेड में देख रहे हैं रिकॉर्डेड वाले भी बताएं फर्स्ट का आंसर क्या होगा। जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था हम इसको डिस्कस भी करेंगे इसको, तो वी आर डूइंग द डिस्कशन। आज 1 से 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे, 6 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी तरह से हाँ, फर्स्ट का क्या आंसर होगा? अतीक्षा पारिक सिंह डी, यस। एनीबडी एल्स? जल्दी से बताएं बच्चों क्या आंसर होगा। ये पढ़ा रखा है मैंने सोफिया, तुमको पहली क्लास के अंदर ही पढ़ाया था, ठीक है? और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके अंदर भी आपको करना होगा। जल्दी से बताएं सभी आंसर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका। अगर तुमको वेबसाइट पे जाके सॉल्व करना है तो वेबसाइट पे जाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बट यहां पर बताओ अभी अभी के लिए तो बताएं क्या इसका सही आंसर होगा। Yes, anybody else want to answer this one? जल्दी से आंसर करिए ना बच्चों, इतना लेट क्यों हो जाता तुम? जल्दी से आंसर करो पढ़कर। आप लोगों ने कहा था इसको समझाना, इसलिए मैं समझाने के लिए यहां बैठा हूं आपको, है ना? पूछा था ना मैंने आपसे। चलिए, इट इज फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी। यस, फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी। मैंने आपको ये फोटो दिखाई थी इसकी, किस तरह कूलर के ये इसके कूलर बोल रहा हूँ, एरोप्लेन के अंदर, बोइंग प्लेन के अंदर क्या है इसको लगा रखा है। और इसके अंदर ये देखिए इस तरह से मैंने बताया था, पूरे प्लेन को ही चेंज करके इस तरह से यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर आपने एक तरह से टेलीस्कोप लगा दिया है। ये टेलीस्कोप 2.5 मीटर का डायमीटर है इसका, ठीक है? जिसके अंदर अगर हम देखें इंफ्रारेड टेलीस्कोप, 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है इनसाइड द बोइंग एयरप्लेन, फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 40,000 फीट अबव द सरफेस, ठीक है? और ये देखते हैं नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी जो है इसके बीच में एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन है, ठीक है? तो इसका आंसर देखो, अगर हम देखें यहाँ पर तो 2.7 मीटर इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, ठीक है? सोफिया स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है? ऑब्जर्वेटरी, फ्लाइंग ऑब्जर्वेटरी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? सेकेंड ये देखें, थर्ड ऑप्शन देखिए, इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ नासा एंड जर्मन स्पेस एजेंसी, मैंने अभी बताया। एंड वाज टू फर्स्ट टू डिस्कवर द वाटर, पहली बार इन्होंने वाटर करा था डिस्कवर, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सोफिया, इट इज सोफिया ने जो पहली बार वाटर डिस्कवर करा, ये मैंने आपको शायद बोलकर बताया था पहली बार वाटर डिस्कवर करा है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन। ये देखो यहाँ पर सोफिया डिस्कवर वाटर ऑन द सनलिट सर्फेस ऑफ द मून, ठीक है? वाटर के मॉलिक्यूल्स पहली बार डिस्कवर करें, तो ये भी एक इसका अचीवमेंट है। और नासा और जर्मन स्पेस एजेंसी ने जॉइंट इनिशिएटिव मिलकर बनाया इसको। द एम वाज टू अंडरस्टैंड हाउ इंफ्रारेड, अब ये एम नहीं था ना इसका कि इंफ्रारेड कैसे डेंस रीजन में से पास हो जाती है, ऐसा तो नहीं था कि बिना इसके अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से क्या नया सोलर सिस्टम बनता है, किस तरह से डेथ और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टार होती है वो बनता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये इंफ्रारेड बढ़ेगी और फिर वापस लौट कर आए, ऐसा तो नहीं कि इंफ्रारेड अंदर से घुसती है बिना स्कैटर्ड होकर, ये तो नहीं था इसका एम। तो दिस वॉज नॉट द एम, तो सेकंड विल नॉट बी द राइट आंसर बच्चों। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है, फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? पढ़ने के बाद भी हम कैसे गलती करते हैं, समझ में आ रहा है? ट्रेन का, रामशा, पुरु, दीक्षा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये बताया भी गया, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट हैज बीन कलेक्टिंग डेटा टू अंडरस्टैंड द स्टार बर्थ डेथ एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सोलर सिस्टम। ये इंफ्रारेड अंदर किस तरह से डेंस के अंदर घुस जाता है उसको स्टडी करने के लिए नहीं है, वो तो पहले से स्टडी हो भी चुका है वो चीज तो, ठीक है? यहाँ पे इट्स डिजाइन टू ऑब्जर्व कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स इन द फार इंफ्रारेड वेवलेंथ। इंफ्रारेड वेवलेंथ के अंदर कोई कॉस्मिक ऑब्जेक्ट इंफ्रारेड वेवलेंथ छोड़ रहा है तो उसको पकड़ने के लिए ये इंफ्रारेड अपना टेलीस्कोप था, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया अतीशा, दिस इज क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन करो, ऐसे गलतियां होती है, देखो क्वेश्चन करना एक बहुत बढ़िया आर्ट है, ठीक है? जैसे कावी आर्ट है ना वैसे ये भी आर्ट है। चलो सेकंड का करो, जल्दी से सेकंड का आंसर बताएं सभी बच्चे। रात को कल मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग के अंदर आ रही थी। अब देखते हैं उसको इम्प्लांट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह से ज्यादा अफोर्डेबल वे के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें दिमाग के अंदर आई कल रात को, कम से कम मैंने 1 घंटे तक इसके बारे में सोचा कि क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए।
अच्छा नागालैंड वेरी गुड प्रियंका, नागालैंड वाज द फर्स्ट वन, नागालैंड पहला है। तो देखो, इट इज मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव हाउस इन द कंट्री पेपरलेस। बिल्कुल ऐसा, कैसे मैंने यहाँ से ही कॉपी करा है। एम्स टू ब्रिंग ऑल द लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं पेपरलेस बनाने का ये है। और नागालैंड जो था इसके अंदर, मैंने आपको यहाँ पर ये बताया भी था, नागालैंड बिकम्स इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। ठीक है, समझ में आ गया। मोपा और मेटी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर देखी थी, और मोपा मिनिस्ट्री जो है उसको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मेटी मिनिस्ट्री, और जो इसकी मिनिस्ट्री जो होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही होगी। यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 60-40, 90-10 और 100%। इस तरह से आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में, सेंटर और नॉर्थ स्टेट के बीच में, और सेंट्रल यूनियन टेरेटरी के बीच में ये फंडिंग का रेशो रहेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में तो सारा का सारा ये सब मैंने बता रखा है। एक बार आपको जल्दी से रिवीजन भी हो रहा है इससे, तो ये भी ठीक रहेगा थोड़ा। एक अपन ने बटरफ्लाई के बारे में बताया था, इस बटरफ्लाई का आंसर दो, थर्ड क्वेश्चन। अब प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, है ना। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं इस सीरीज के ऊपर, पर फिर भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज को, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो आप एक काम करिए कि मोटिवेशन हमारा बना रहे, इसलिए आप लोग कृपा करके इसको शेयर करें वीडियो को एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कभी मेरे को ऐसा कहना पड़े कि सर कि बच्चों मैं इससे इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज व्यूज कम आ रहे हैं। ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ कभी भी जिंदगी में बोलूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, मुझे पता है, और जैसे मेहनत कर रहे हैं हम उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड का करेक्ट आंसर, थर्ड का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है दैट इज इंडेंजर्ड। अभी अभी इसको लिस्ट करा गया इंडिजेंट स्पीसीज के अंदर मोनार्क बटरफ्लाई को, और आपने देखा मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर हमने डिटेल के अंदर अंडरस्टैंडिंग करी थी इसकी। क्या अंडरस्टैंडिंग करी थी, किस तरह से अपना अंडा रख के चल जाती है इस पेड़ के ऊपर। ठीक है, और ये जो पेड़ होता है ये एक तरह से इसको क्या करता है, ये मिल्क मिल्क वीड प्लांट होता है जो कि इसके अंडे को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये हमने बताया था इनके किस तरह से रिलेशनशिप है। ये मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको, ये इमेज देखो, ये अंडा छोड़ गई, ये अंडा, समझ रहा है आप। ये क्या करेगा, ये जो प्लांट होगा वो क्या करेगा, ग्लाइकोसाइड टॉक्सिन छोड़ता है, जिससे कि आंकड़े का पेड़ रहता है ना, आंकड़े का पेड़ वैसा है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड टॉक्सिन छोड़ता है ये, जिससे कि क्या होता है कि ये अंडे को कोई खा नहीं पाता, जो खाएगा वो मर जाएगा, राइट। इस तरह से होता है, राइट। तो समझो इस तरह से इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। फोर्थ इंट्रैक्शन, पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बोलता है उसको। फोर्थ पॉइंट बताए, फोर्थ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पीडीएफ का, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप वहां से भी। फोर्थ का आंसर बताएं जल्दी से, फटाफट फोर्थ का आंसर बताएं। मैंने इसको याद भी कराया था कि कंपिटिटिवनेस है कहीं पर, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको अच्छा क्या करना पड़ेगा, अच्छा डैश करना पड़ेगा, अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया था ये इस तरह से इंडिया की जो है वो सिक्स प्लेस जंप करा इंडिया ने, 37th रैंक है, और रिलीज बाय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और ये सब चीज़ें इसके अंदर बनाया। डेनमार्क टॉप पर है, इंडिया का 37th रैंक है। ठीक है, और ये इसका क्राइटेरिया रहता है, ये मैंने आपको इसके अंदर बताया था। परफॉर्मेंस हमारी पैरामीटर्स के ऊपर, सारी परफॉर्मेंस भी मैंने इसके अंदर लिख के दी थी। फिफ्थ क्वेश्चन करें जल्दी से, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का क्वेश्चन बताएं, फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स, फिफ्थ का सी आंसर होगा, फिफ्थ का, सॉरी सी नहीं है, बताएं आप लोग। फिफ्थ का होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल डब्ल्यू सी रेड, एसोसिएशन एसेसिनेशन, सॉरी एसेसिनेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल डब्ल्यू सी रेड बाय चेपेका ब्रदर्स। ठीक है, ये जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे चेपेका ब्रदर्स, ठीक है, और इन्होंने जो है
किसको डब्ल्यू सी रैंड को मार दिया था, ठीक है। आपने देखा था यहाँ पे दामोदर हरी चेपेकर और बालकृष्ण हरी चेपेकर, इन्होंने मार दिया था किसको, ब्रिटिश के ऑफिसर को, एक डब्ल्यू सी रैंड, बिकॉज वो क्या कर रहा था वहां पर, उस वक्त फैला गया था बहुत बुरी तरह से, प्लेग फैला था, और प्लेग फैला था पुणे के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता, उसको स्पेशल प्लेग कमेटी बनी थी जिसके हेड जो थे वो डब्ल्यू सी रैंड थे, और वो सबको उठा उठा के ले जा रहे थे जिनका, क्योंकि एक तरह से कोविड 19 की तरह ये जो डिजीज थी फैल रही थी लोगों के अंदर, तो उनको आइसोलेशन के अंदर डाल रहे थे। लोगों ने सोचा कि फिर मार भी देते थे लोगों, कई लोग मर भी जाते थे, तो लोगों के अंदर अजीब सा गुस्सा हो रहा था, और इस तरह से आप देखेंगे इनको मारा था। तो इसको, दिस वॉज द फर्स्ट केस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास, लर्न ट्रेन फैक्ट विद दिस सीरीज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इस सीरीज का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर भी, राइट। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, ये इसीलिए डिस्कस करा है जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रिविजन भी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे रखी है, ठीक है, उस सब लिस्ट के अंदर एक पहला ऊपर आपको ये बता रखा है कि टेस्ट का एक लिंक दे रखा होगा, पीडीएफ का लिंक दे रखा होगा, और डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में जो भी हम सीरीज लेकर आ रहे हैं उनका लिंक है, इस सीरीज का भी लिंक है। ये 5th नवंबर से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो सभी बच्चे इसको देखें, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड।